तो सेम पैटर्न पर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, यूज क्यूरेटिव्स एंड लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर इन द फॉर्म ऑफ 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8। अभी अभी क्वेश्चन करके आए हैं, उसने कहा था स्क्वायर, ये कह रहा है क्यूब, क्वेश्चन वही है, फॉर्मूला भी वही लगेगा, क्या a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, है ना, b की जगह पर क्या है 9, यानी कि लिमिट कहाँ तक होगी 0 से लेकर 8 तक, चलो पूरे फॉर्मेट में करते हैं ना। ओके तो क्या करेंगे, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 3। देखो इसको b की जगह 9 भी ले सकते हैं, 3 लेने में फ़ायदा क्या है, 3 लेने में फ़ायदा ये है कि आपको r की लिमिट छोटी हो जाएगी 0, 1, 2, है ना, बोर्ड में एक एक मिनट बहुत कीमती होता है ना, दो नंबर के क्वेश्चन में आपने आधा घंटा लगा दिया, क्या फ़ायदा होने वाला है। ओके तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते हैं, समझते हैं, 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8, इन सभी क्वेश्चन में 9 की मल्टीपल में ही तो हैं जो भी नंबर है, है ना, 9 की मल्टीपल में ही तो है। ओके तो बाय यूजिंग क्यूलिट डिवीजन एल्गोरिथम वी हैव a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आर की वैल्यू 0 से लेके 3 तक, यानी कि 0 से लेके 2, 0, 1, 2। ओके तो तीन ही नंबर हैं, हमें इक्वेशन में लगा दें a इक्वल टू 3q, दोनों तरफ क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना है, क्यूब करना है, तो दो साइड क्यूब कर लेते हैं, a क्यूब इक्वल टू 3q का क्यूब, कितना हो गया बच्चों 27 क्यूब। ओके 3 3 9 3 27। अब इसको ज़रा ठीक करके लिखे तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 बाहर निकाल लिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और 3 क्यूब को मैं m मान लेता हूँ, तो क्या हो गया बच्चा 9m, है ना। ओके अच्छा सेकंड सिचुएशन क्या है, a इक्वल टू 3q प्लस 1 पर क्यूब, है ना, क्यूब करते तो क्या होगा, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, अगर आपको नहीं मालूम है तो a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला भी अभी याद कर लेते हैं, क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ओके तो ये फॉर्मूला आपने लगाया a प्लस बी के होल क्यूब का, सॉरी a क्यूब प्लस बी। ओके तो जैसे इस फॉर्मूले को ओपन करते हैं, हमें मिला 27 क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 1। देखो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में 1 अलग है ना, तो 1 को छेड़ते नहीं है, इधर जो बचा उन सब के पास में 9 कॉमन है, बाहर निकाल लिया, तो अंदर जो बचा वो सब का सब हमने मान लिया m, फाइन। तो जैसे हम m मान लेते हैं 9m प्लस 1, अगेन फिर से करते हैं, क्या है 9m प्लस 8 करना है ना। ओके तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 की इक्वेशन को क्यूब करते हैं, तो a क्यूब इधर हो जाएगा और 3q प्लस 2 के होल क्यूब का जब हम फॉर्मूला लगाकर खोलते हैं तो क्या निकलेगा हमारा, a 27 क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। जिसको भी ये समझ नहीं आ रहा, चलो मैं खोल करके इसको क्लियर करके बता देता हूँ, a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला और a कहाँ पर और b कहाँ पर, ठीक है। चलो तो ये समझ में आ गया, a क्यूब 3q क्या हो जाएगा, a b हो जाएगा, सॉरी 3q हो जाएगा a और 2 हो जाएगा b, a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लगाया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, सेम फॉर्मूले से इसको ओपन कर देते हैं। ओके तो देखो क्वेश्चन में लास्ट में हमारा 8 बच रहा है जो बहुत बढ़िया है, 8 को बिना छेड़े वही छोड़ देते हैं, और जो रिमेन बचा उन सब के पास में 9 कॉमन है, 9 कॉमन है तो क्या करते हैं, 9 बाहर निकाल लिया और बचे हुए को मैंने मान लिया m, तो फिर से मुझे मिल गया 9m प्लस 8 और प्रूव हो गया, तो मैं लिख सकता हूँ दस द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। सिंपल।